सभापति महोदय, यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया। मैं यही कहना चाहूंगा कि डिमांड्स ऑन ग्रांट सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स को तो हमें पास करना ही है, लेकिन इसकी स्क्रूटनी करना भी हमारा दायित्व बनता है। 3,25,000 करोड़ से ऊपर की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है कैश फ्लो हमें अंदर इसमें देना है। मैं आपसे के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी शायद इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, एमओएस हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो जवाब देंगे तो इस बात को भी ध्यान में रख कर के जवाब देंगे। यहाँ कल से बहुत चर्चा हो रही कि साहब माननीय सदस्य ये गैस सब्सिडी तेल कंपनियों को सरकार सब्सिडी दे रही है, इसलिए ये खर्चा जो है सप्लीमेंट्री डिमांड्स लाना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि क्या ये सही है कि जो रशिया से क्रूड ऑयल हम लोग सब्सिडाइज्ड रेट्स पर इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 32% सब्सिडाइज्ड रेट पर रशिया से क्रूड इंपोर्ट हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जो भारत सरकार की जो ऑयल कंपनीज हैं वो डायरेक्ट इंपोर्ट क्यों नहीं कर रही? क्या ये सच नहीं है कि आपके सरकार के जो खास जिन पर आशीर्वाद रहता है 2-3 कॉरपोरेट्स पर, वो लोग सस्ते दाम पर रशिया यूक्रेन वॉर का फायदा उठा करके रशिया से क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं 32% सब्सिडाइज रेट पे, और फिर उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वगैरह में? तो ये जो विंडफॉल गेन जो चंद खासतौर से रिलायंस और एसआर की नायरा दो कंपनीज का कितना बड़ा विंडफॉल गेन हो रहा है, इस पर सरकार जो है क्या आप कहना चाहेगी? क्यों नहीं सरकार की तेल कंपनियां डायरेक्ट ये काम करती, ये बिजनेस करके, और हमारे जो जो गरीब जनता जो डीजल पेट्रोल 100 रुपए लीटर पर खरीद रही है उसका फायदा अगर उसको पहुंचे तो मैं समझता हूं कि 50 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल आम जनता को मिल सकता है। मैं जो है अब मुझे पता नहीं किसकी कंपनी है, शायद जिसके लिए आप पहले काम करते थे एसआर की होगी, मैं मुझे नहीं मालूम किसकी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि हम लोग यहां पर इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। इस सरकार ने अभी बात हुई इकोनॉमिक पैरालिसिस की, आज कौन सा इकोनॉमिक पैरालिसिस नहीं है? आज तो गब्बर सिंह टेरर से सारे छोटे मोटे व्यापारी परेशान हैं। आप भी आते हैं सर, पिछले 3 दिन पहले मेरठ में भी वही हाल था, अमरोहा में भी वही था, बरेली में भी वही था। जीएसटी के नाम पर रेड जो है किसी बड़े उद्योगपति घरानों पर रेड नहीं करती है सरकार, ऐसे लोगों पर नहीं करती जिनका मैं नाम ले रहा हूं, उनको तो जो एग्जेम्पशन दे देती है, लेकिन जो बेचारा ठेले पर पकौड़ी तल के बेच रहा है, आपने नौजवानों को रोजगार तो दिया नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये भी रोजगार है कि स्टूडियो के बाहर जो पकौड़ी तलने का पकौड़े तलेगा वो भी तो एक रोजगार है, लेकिन आज तो हालत ये हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर जो पकौड़े तलने ठेले पे लगा करके जीएसटी की रेट उन पर हो रही है। सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा आपसे कि डिमोनेटाइजेशन आपने किया कि साहब टेरर खत्म करेंगे, ब्लैक मनी जो है कैश खत्म करेंगे, नकली नोट खत्म करेंगे।
मैं समझता हूं डाटा सबके डेटा सबके पास है, नकली नोटों का सर्कुलेशन उस वक्त से ज्यादा हो गया, जो कैश करेंसी प्रिंट थी आज दोगुना से ज्यादा हो गई। तो आपकी जो पॉलिसीज हैं उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगी तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि ये मुझे बताएंगे। सभापति महोदय मेरा समय है, मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय इस देश का विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन ये हो क्या रहा है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप तक खत्म कर दिया आपने, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज के बच्चे थे वो आप चाहते हैं कि वो स्कूल ना जाएं, वो पढ़े ना, जो मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप थी वो आपने खत्म कर दी, आप कर क्या रहे हैं? सच्चर कमेटी ने इस देश में बताया, डायग्नोस किया कि किस तरीके से इस देश के अंदर माइनॉरिटीज के बच्चे जो हैं, पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटीज के बच्चे कितने पिछड़े हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने उसका इलाज किया। सभापति महोदय मैं बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने उसका इलाज दिया, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि साहब रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने तो सिर्फ जो है 4 दीवारी में बैठ करके ये रिपोर्ट तैयार कर दी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम तो सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए की बात करने वाली पार्टी से हैं, लेकिन आपने जो 10% इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन दिया उसका सर्वे कहां हुआ था? वो कौन सा कमीशन था जिसने सर्वे दिया, उनको आपने रिजर्वेशन दिया? मैं सभापति महोदय मैं इन्हीं बात के साथ मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं उनको बहाल किया जाए, जो SC ST माइनॉरिटीज के OBC के बच्चों को जो पढ़ाई से रोकने की कोशिश की जा रही है, मैं माननीय वित्त मंत्री से चाहूंगा कि वो उसको बहाल करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। आई स्पीक हियर ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स।